काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हम मिलकर जानेंगे क्यों कहा जाता है भगवान शिव को कालों का काल महाकाल। हम लेकर चलेंगे आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में। यहां होती है भोलेनाथ की बस मारती और लाखों की संख्या में लोगों को आता है सैलाब। महाभारत शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश राज्य का शहर है, पौराणिक काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बात उस समय की है जब अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नाम का एक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वेदप्रिय सब लोगों के साथ शिव भक्ति में लीन रहते और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। रत्नामल पर्वत पर दुष्यंत नाम का अत्याचारी राक्षस उन दिनों जनमानस को बहुत सताया करता था। दुष्यंत अवंतिकापुरी भी पहुंच गया और वेदप्रिय और अन्य लोगों को तंग करने लगा। दुष्यंत को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उसके अलावा किसी और की पूजा करे। वरदान की वजह से वह बेहद शक्तिशाली भी था। अपनी शक्ति के बल पर उसने हर जगह त्राही मचा रखी थी। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवभक्त ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अटूट आस्था रखने वाले ब्राह्मण शिव पूजन करके शिव ध्यान में लीन हो गए। दूषण जब इन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो देखते ही ललकार उठा और इन्हें मारने का निश्चय कर लिया। उसने ज्यों ही भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही शिवलिंग की जगह एक गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया और तत्काल ही उस गड्ढे से भयंकर और विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस का नाश कर दिया। भगवान शिव के दर्शन पाकर ब्राह्मण धन्य हुए और उन्हें वहीं बस जाने की विनती करने लगे। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया जो विश्व भर में महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है दोस्तों कि भगवान शिव को महाकाल के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो भी धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। जैसे जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। चंद्रमा, चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की तीन आंखें हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव की ये आंखें सत्व, रज और तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प जैसे हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल, शिव के हाथ में मारक शस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू की नाद ही ब्रह्मा रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल, शिव ने शरीर पर बाघ की छाल पहनी हुई है। बाघ हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि ये संसार नश्वर है। वृषभ, शिव का वाहन बैल है, ये हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ यानी बैल धर्म का प्रतीक है। महादेव इस चार पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो ये बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव के साधक को ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना रोग का और ना शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति का सामर्थ्य देता है।
शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारक बताया गया है। ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंदनात् मृत्योर मुक्ष्य मामृता। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि जिस तरह एक खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शिव विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, प्रेम समर्पण और तप की परिणति था शिव विवाह। दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी इस कहानी के आगे फेल है। जितनी नाटकीयता और उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी हिट रोमांटिक फिल्म में भी नहीं होंगी। ये कहानी एक जन्म की नहीं, पार्वती पिछले जन्म में भी शिव की पत्नी थी, तब उनका नाम सती था और वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। परम प्रतापी राजा दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद शिव को अपमानित किया, जिससे आहत होकर सती हवन कुंड में कूद गई। सती के वियोग में शिव ने विरक्ति का भाव भर दिया और वे तपस्या में लीन हो गए। उधर शिव को फिर से हासिल करने के लिए सती ने पार्वती बनकर हिमालय के घर में जन्म लिया। देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए जब कामदेव को भेजा, तो शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, लेकिन पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप जारी रखा। आखिरकार बाबा भोलेनाथ को पिघलना पड़ा और वे नंदी पर सवार होकर नंगे बदन पर बबूत मले बड़े ठाट से बारात लेकर आए। बारातियों की शक्ल में थे नाचते गाते गण, यानी अनगिनत भूत पिशाच। दुनिया के तमाम पशु पक्षियों को लेकर कीड़े मकोड़े तक इस बारात में नुमाइंदगी कर रहे थे। आखिर वो पशुपति नाथ यानी समस्त पशुओं के देवता शिव का विवाह जो था, शिवजी से विवाह करके पार्वती उनके साथ कैलाश चली गई। और इस तरह दो जन्मों से चल रही एक प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। शिव जैसी उदारता दुनिया के किसी और देवी देवता में विरल है। शिव को आशुतोष कहते हैं, जानी तुरंत प्रसन्न हो जाने वाला। जब भी कोई राक्षस तपस्या में जुटता था, इंद्र के कान खड़े हो जाते थे। देवराज बाकी देवताओं के साथ मिलकर बकायदा ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भोलेनाथ किसी राक्षस को वरदान ना दे, लेकिन देने के मामले में शिव ने कभी भेद नहीं किया। भक्त चाहे ईश्वर हो या राक्षस, जिसने मांगा उसे मिला, चाहे वो भस्मासुर ही क्यों ना हो। अमृत औरों को बांटा और विष खुद पी गए, भला कहां होगा पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा। सामूहिकता शिव का एक और गुण है, जो बहुत कम देवी देवताओं में है। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आम जनमानस नहीं जानते। श्रोताओं, आज मैं एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता पत्थर के बन गए थे। कथा के अनुसार त्रिपुरा में आज भी उन्नाकोटी नाम की जगह पर सभी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद हैं। उन्नाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में एक कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में भगवान शिव की 1 कोटी से एक कम मूर्तियां हैं, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं। यहां भगवान शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में ये शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। कल्लू कुम्हार को इन मूर्तियों का निर्माता माना जाता है। कल्लू कुम्हार माता पार्वती का परम भक्त था। वह पूरे दिन माता पार्वती की पूजा करता रहता। माता पार्वती को प्रसन्न कर वह उनके और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। काफी समय बाद कल्लू कुम्हार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिवजी से कल्लू को कैलाश पर्वत पर लाने को कहा। माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव तो कल्लू को लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कल्लू के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे 1 रात में शिव की 1 कोटी मूर्तियां बनानी होंगी।
कल्लू भगवान शिव की आज्ञा पाते ही मूर्ति बनाने में जुट गया। पूरी रात वह मूर्ति बनाने में लगा रहा। जब सुबह हुई तो मूर्तियां एक कोटी से एक कम निकली, जिस कारण कल्लू कुम्हार भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत तो ना जा सका, लेकिन जाने से पहले भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में सभी लोग तुम्हें इन मूर्तियों के निर्माता के रूप में याद करेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सभी देवी देवता स्वर्ग से काशी जा रहे थे। यात्रा के दौरान सभी देवी देवता उन्नाकोटी में विश्राम के लिए रुके। यात्रा की थकान की वजह से सभी देवी देवता उस रात उन्नाकोटी में ही सो गए। सोने से पहले भगवान शिव ने देवी देवताओं को बता दिया कि उन सभी को सूर्योदय से पहले यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह जब शिवजी जगे तो सभी देवी देवता सो ही रहे थे। वो अकेले ही वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। शिवजी के जाने के कुछ समय बाद जब सूर्योदय हुआ तो देवी देवता सो ही रहे थे और सूर्य की किरण पड़ते ही वे सभी पत्थर के बन गए। आज हम भोलेनाथ की ऐसी गुफा के बारे में बताएंगे, यहाँ छिपा है कलयुग के अंत का रहस्य। कहाँ है ये गुफा और कलयुग के ऐसे क्या राज छिपे हैं यहाँ, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोलीहाट गांव में स्थित एक पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताया गया है। यह गुफा भगवान शिव का निवास स्थान बताई गई है। सभी भक्त इस गुफा में आकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यह गुफा पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर स्थित है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर दूरी तय करके पहाड़ी के बीच बसे गंगोलीहाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य या किसी रहस्य से कम नहीं। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दर्ज है। यहाँ पत्थरों से बना एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समाये हुए है। मुख्य द्वार से आड़ी टेढ़ी फिसलन भरी 80 सीढ़ियां उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है, यहाँ युगों युगों का इतिहास एक साथ आपके सामने आ जाता है। गुफा में बने पत्थरों के ढांचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देते हैं। अंदर जाने पर आपको दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। गुफा की शुरुआत में ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी आकृति पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। इस गुफा में चार खंभे हैं जो चार युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दिखाते हैं। इनमें से पहले तीन आकारों में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, पर कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और उस खंभे के ऊपर छत से एक पिंड नीचे की ओर लटक रहा है, जिसके बीच की दूरी बहुत कम बची है। इस गुफा के बारे में यहाँ के पंडितों का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है और इसके बारे में सभी मानते हैं कि जिस दिन ये पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने सबसे पहले देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपाल खेला और कलयुग में जगतगुरु शंकराचार्य का 833 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार जन्म हुआ। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग भी स्थापित किया। इसके बाद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और यहाँ आज देश विदेश से कई पर्यटक और भक्त आते हैं। आज तक यहाँ जो भी आया इस गुफा की बनावट को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। दोस्तों, दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। यहाँ एक तरफ शिवजी की जटाओं से बहती गंगा की धारा नजर आती है, वहीं अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा से शुरू होता है। इस गुफा की सुंदरता और भव्यता यहाँ जाकर ही देखी जा सकती है। यहाँ कैसे पहुँचना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। कोई सुझाव हो या शिकायत हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी तथा संसार के संहार कर्ता देवादिदेव महादेव शिव की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। चेहरे पर क्रोध एवं तेज, जटाओं में गंगा तथा हाथ में त्रिशूल महादेव शिव की दैवीय शक्ति का वर्णन करते हैं। शिव जी का त्रिशूल एक अत्यंत महत्वपूर्ण शस्त्र कहा जाता है। इसे पवित्रता एवं शुभ कर्म के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए आज की कड़ी में जानते हैं शिव त्रिशूल का महत्व। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। शांत मुद्रा में खड़े महादेव शिव के हाथों में त्रिशूल कोई संहार करने वाला शस्त्र नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन के तीन मूल आयाम इड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। मानव शरीर में प्राणों को ऊर्जा प्रदान करने वाले मूल स्रोत ये तीन नाड़ियां ही हैं। इन्हीं के द्वारा पूर्ण मानव शरीर में प्राण वायु का संचार होता है। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो एक मनुष्य केवल इड़ा और पिंगला द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा पर ही निर्भर होकर जीवन व्यतीत करता है और भौतिक जीवन का ही आनंद लेना चाहता है। इसी कारण आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य दुर्बल होता है, मन अशांत और असंतुष्ट रहता है और अध्यात्म का आनंद ही नहीं ले पाता, जो कि मनुष्य का धर्म है। सुषुम्ना नाड़ी का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। सुषुम्ना अर्थात सरस्वती नाड़ी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होती है तो मन पूर्णतया शांत, संतुलित व संतुष्ट रहता है और भौतिक जगत की कोई भी परिस्थिति मनुष्य जीवन में विघ्न नहीं डाल सकती, या यूं कहें कि आपके मन की शांति भंग नहीं हो सकती। महादेव शिव को आदि योगी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी ने प्राणिक ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करके सहस्रार चक्र में स्थापित किया, जिससे उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली थी। तो मित्रों, यह था शिव जी के त्रिशूल का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में गिना जाता है। भगवान शिव को कोई रुद्र तो कोई भोलेनाथ के नाम से पुकारता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को उनके सीधे और सरल स्वभाव के कारण ही भोलेनाथ कहा जाता है। वहीं अपने सरल स्वभाव से परे भगवान शिव अपने रौद्र रूप और क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को जब भी क्रोध आता है उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसा ही प्रसंग है भगवान शिव और कामदेव से जुड़ा हुआ, जब कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया था। जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ में भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया तो देवी सती अपने पति महादेव का यह तिरस्कार सहन नहीं कर पाती और यज्ञ वेदी में कूद कर आत्मदाह कर लेती है। जब ये बात शिवजी को पता चलती है तो वो अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शिव को समझाने कैलाश पहुंचते हैं। महादेव देवताओं के समझाने पर शांत तो हो जाते हैं, लेकिन परम शांति के लिए गंगा तमसा के पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव समस्त संसार को त्याग देते हैं। उनके वैरागी होने से संसार सुचारू रूप से नहीं चल पाता। दूसरी तरफ पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। इस बार भी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताती है, लेकिन शिव के मन में प्रेम और कामभाव नहीं था। इस वजह से भगवान विष्णु और सभी देवता संसार के कल्याण के लिए कामदेव से सहायता लेते हैं। अपनी पत्नी देवी रति के साथ मिलकर कामदेव शिव के भीतर छुपा कामभाव जगाने में जुट जाते हैं। कामदेव अपने अनेक प्रयत्नों के द्वारा महादेव को ध्यान से जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि शामिल होते हैं, पर महादेव भोलेनाथ के आगे ये सब प्रयास विफल हो जाते हैं। अंत में कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पीछे छुपाकर शिवजी पर पुष्पबाण चलाते हैं। पुष्पबाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पीछे खड़े कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। अपने पति की राख को शरीर पर मलकर देवी रति विलाप करने लगती है
और भगवान शिव से न्याय की मांग भी करती है। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि ये सब संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना थी, तो शिव ने रति को वचन दिया कि उनका पति यदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। बाद में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होते हैं और देवी रति से उनका मिलन भी हो जाता है। तो श्रोताओं, ये था प्रसंग भगवान शिव का कामदेव को भस्म करने का। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। और हाँ, अगर आप द डिवाइन टेल्स की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।